Prashant Neel. I would want him to direct an Hollywood film, and that's my dream. And he has got all that potential, and I feel he will be remembered in Indian cinema forever. KGF is just a beginning, guys. दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 ने रिलीज़ होते ही इसने हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत से बड़े बड़े फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और KGF चैप्टर 2 अभी खुद एक बड़ी फिल्म बन चुकी है। KGF चैप्टर 2 ने बाहुबली 1 की लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और RRR की 6 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पर फिलहाल KGF चैप्टर 2 ने लोगों के दिमाग को भी तोड़कर रखा है, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर KGF चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। अब वो तो फिल्म मेकर्स देखेंगे, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको KGF चैप्टर 2 से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जिसे शायद आप नहीं जानते हो। तो चलिए जल्दी से इन अननोन फैक्ट्स को जानते हैं। लेकिन आप रॉकी भाई के रियल फैन हो तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, KGF मूवी कर्नाटक के कोलार गोल्ड माइन पर बेस्ड है और इस फिल्म का पिक्चराइजेशन 1950 से 1980 के बीच का है, और इसीलिए फिल्म को रियलिस्टिक लुक देने के लिए फिल्म के ज़्यादातर पार्ट्स की शूटिंग ओरिजिनल लोकेशन KGF में यानी कोलार गोल्ड फील्ड में ही हुई है, जिसके लिए बंद पड़ी कोलार गोल्ड फील्ड पर बहुत बड़ा सेट लगाया गया। लेकिन शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ मौजूद साइनाइट के पहाड़, क्योंकि गोल्ड माइनिंग के लिए यहाँ पर साइनाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिससे यहाँ का वातावरण तो खराब हुआ ही, बल्कि यहाँ पर साइनाइट के बड़े बड़े पहाड़ भी बन गए थे। इसीलिए शूटिंग के दौरान साइनाइट की धूल से बचने के लिए बहुत सारे पानी के टैंकर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद तेज तूफान की वजह से कई बार शूटिंग को रोकना पड़ता था। नंबर 2, 27 मार्च शाम के 6:40 पे YouTube पर KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर 5 भाषाओं में रिलीज किया जाता है, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये ट्रेलर रिलीज होते ही रॉकी भाई के लिए लोग पागल हो जाते हैं, और इसी के चलते KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर था इस पे 24 घंटे के अंदर 109 मिलियन व्यूज़ आते हैं, जो इसे पूरी दुनिया का 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बनाता है। और KGF चैप्टर 2 का जो टीज़र रिलीज़ किया गया था आज उस पर 258 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है और 9.7 मिलियन लाइक्स और 1.3 मिलियन कमेंट्स है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि KGF चैप्टर 2 का क्रेज़ किस लेवल पर था। आई एम ऑल्सो सी विच वन इंडिया। नंबर 3, KGF मूवी की लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने KGF के चलते 7 फिल्मों को ठुकरा दिया था, क्योंकि 2015 में मिस कर्नाटका और 2016 में मिस डिवा सुपर नेशनल और मिस सुपर नेशनल जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें बहुत से फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, पर श्रीनिधि शेट्टी ने KGF को ही चुना और साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 उनकी पहली डेब्यू फिल्म बनी, जिसके चलते हमें श्रीनिधि शेट्टी KGF चैप्टर 2 में भी दिखाई दी, और हो सकता है कि KGF चैप्टर 3 में भी दिखाई दे, क्योंकि रॉकी भाई का पास्ट दिखाएंगे तो उसमें रीना तो ज़रूर होंगी। नंबर 4, KGF पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म थी जो 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी, जैसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। और KGF एक ऐसी मूवी है जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव बजट वाली मूवीज़ है, जिसमें KGF चैप्टर 1 का बजट करीब 80 करोड़ था और KGF चैप्टर 2 का बजट करीब 100 करोड़ था, जो इसे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव बजट वाली फिल्म बनाती है। नंबर 5, 2018 में आई KGF चैप्टर 1 बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद 4वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म थी, पर अब शायद बाहुबली 2 के बाद KGF चैप्टर 2 हिंदी डब में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है। लेकिन अब KGF चैप्टर 2 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 4वीं इंडियन फिल्म बनने वाली है, जिसमें दंगल, बाहुबली 2 और RRR मौजूद है।
इसका बाप मेरा ससुरा, मैं तुम्हारा जीजा, तेरी बहन की। अच्छे से ख्याल रखना। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हो कि KGF चैप्टर 1 को अमेरिका में री रिलीज किया गया था? जी हाँ, KGF 1 को 31 जनवरी 2019 को अमेरिका में 35 लोकेशन में फिर से रिलीज किया गया था, और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से KGF चैप्टर 2 को वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, और आज भी KGF चैप्टर 2 अमेरिका में धूम मचा रही है। नंबर 7, KGF चैप्टर 2 में हमें एक कार चेस सीन देखने को मिला था, जहां रॉकी भाई मस्टैंग चलाते हुए दिखाई दिए थे। वैसे तो ज़्यादातर फिल्मों में ये सीन VFX पर ही शूट किए जाते हैं, लेकिन KGF के मेकर्स इसे रियलिस्टिक लुक देना चाहते थे, जिस वजह से फिल्म के लिए कई महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। मूवी में 1969 की फोर्ड मस्टैंग को दिखाने के लिए हिंदुस्तान कॉन्टेसा को मॉडिफाई किया गया था, जिसे गुड़गांव के अमित दुबे ने मॉडिफाई किया था, और फिल्म में इस कार को देखकर ये फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये मस्टैंग नहीं हिंदुस्तान कॉन्टेसा है। क्या आपने इसे नोटिस किया था? कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 8, दोस्तों KGF का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हो गया था, लेकिन फिर कोविड की वजह से KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन करना पड़ा था, और ऐसे में KGF की पॉपुलैरिटी कहीं फीकी ना पड़ जाए, इसके लिए KGF के मेकर्स ने पिछले साल जनवरी 2021 में KGF टाइम्स इस नाम से एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, जिसमें KGF से जुड़ी कहानी निकाली गई, और इसमें ऑडियंस को KGF के नए नए कैरेक्टर के बारे में भी बताया गया। नंबर 9, KGF चैप्टर 2 की जो सिनेमाटोग्राफी है उसे भुवन गौड़ा ने शूट किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग 40 किलो के ARRI Alexa SXT कैमरे को अपने कंधों पर रखकर की है, क्योंकि भुवन फिल्म के हर शॉट को परफेक्टली शूट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद से ही कैमरा हैंडल करना बेहतर समझा। नंबर 10, KGF चैप्टर 2 में लीड एक्टर्स के अलावा 800 से भी ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है। कोलार गोल्ड फील्ड की चिलचिलाती गर्मी और साइनाइड की धूल की वजह से जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ जाते थे, लेकिन एक अच्छी बात तो ये थी कि फिल्म मेकर्स पहले से ही जानते थे कि साइनाइड के पहाड़ पर इन्हें ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी, इसीलिए मेकर्स ने सभी जूनियर आर्टिस्ट का इंश्योरेंस करवा दिया था। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको KGF मूवी से जुड़े ये इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने KGF चैप्टर 2 देखी है तो उसमें से सबसे अच्छा सीन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और रॉकी भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।